हमारे भाई साहब जो हैं, बड़े भाई जो हैं, खेती करते थे। वो श्री माधोपुर में बाज़ार कुछ खरीददारी के लिए गए थे, तो किसी ने इशारा कर दिया कि मीणा जा रहा है। तो उसी वक्त पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और नीमका थाना पुलिस स्टेशन पर ले गए, और वहाँ जो है ले जाके उनकी पिटाई शुरू की। तो चूँकि मीणा जाति के लोग शुरू से स्वाभिमानी रहे हैं, इस तरह का जो कभी उन्होंने सहन नहीं किया, तो उन्होंने पुलिस वालों को कहा, जैसे ही मारते जाते वो बोलते, अरे अपने जवाई को क्यों पीट रहा है। तो और पिटाई होती, फिर कहते जवाई को क्यों पीट रहा है, फिर वो थक गए जब उनके। बाद में उनकी जमानत करवा के लाए, तो मुझे उस वक्त की याद है। भारत तो 47 में आज़ाद हुआ, 1947 में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मीणा समुदाय 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि 1972 यानी 25 वर्ष बाद तक यातना शिविर राजस्थान पुलिस खोलती थी, जिसमें सामंती तत्व ज़्यादा थे, और 1972 तक यातना शिविर चले। और एक शिविर का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाने से मैंने करीब 500 मीणों को ऐसे एक यातना शिविर से छुड़वाए थे। यातनाएं बहुत ज्यादा ज्यादा दी गई, जो एक गौरवशाली कौम थी और जिनका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, बहुत उजला रहा है, उनको दबाने के लिए 100 तरह की यातनाएं दी गई। जैसे बिना बात थानों में बंद कर देना, झूठे मुकदमे लगा देना, उनको उन पर 100 तरह की उनके मूवमेंट पर पाबंदी लगा देना, तो उनका सारा जो आर्थिक जीवन तहस नहस हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से धूल में मिलाने का कुछ चक्र रचा गया। उनका जो सांस्कृतिक परंपराएं जो बहुत समृद्ध हुआ करती थी, उनको डिस्टर्ब हुआ, उन पर अन्यथा प्रभाव पड़ा, और सबसे बड़ा जो उनकी साइकोलॉजी है, उनके दिमाग में एक जैसे चोर लुटेरों की भावनाएँ भर दी गई, जबकि वो विद्रोही थे और विद्रोहियों को हम एक राष्ट्र के सम्मान के लिए लड़ाकू कौम के रूप में जाना जाता रहे हैं, जिनको उन्होंने एक तरह से एक आपराधिक एक जराइम पेशा कौम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें अगर कोई भी मूवमेंट जहां से वो पैदा हुआ है बाहर करता था, तो उसमें पुलिस की परमिशन लेके और फिर जाना पड़ता था। ऐसा दुनिया में कोई कानून नहीं था कि जो माइनर के ऊपर भी पैदा होते ही कानून पर्टिकुलर जाति के ऊपर लगाना, ये एक अंग्रेज़ों की चाल और भारत के ऊपर